बहुचर्चित रहे अक्षया हत्याकांड में चश्मदीद सोनाक्षी शर्मा की मां करुणा शर्मा पर बदमाशों ने गोली चला दी। बता दें कि ये वारदात तब हुई जब करुणा शर्मा रोजाना की तरह स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से दो बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर आए और कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि इस हमले में करुणा शर्मा को गोली नहीं लगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और भौतिक तथा वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने घर पे गार्ड लगाए हुए हैं और बाकी बस आज का इंसिडेंट सिर्फ इतना था कि डेली की तरह मैं स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते में रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति थे जिनने मेरा रास्ता रोका। एक व्यक्ति ने और धमकी देते हुए, जान से मारनी धमकी देते हुए फायर कर दिया मेरे पर। गवाही नहीं होनी चाहिए, बदल देनी चाहिए और गवाह बदलने के लिए साथ में आपत्ति ना लगाने के लिए। नहीं, SP साहब ने भी प्रशासन को आदेश दिए हैं, उन्होंने टीम लगाई हुई है कि हम लोग उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने का कोशिश करेंगे कि किसने वारदात की है। और जाहिर सी बात है, आदेश उनको भी यही अंदेशा है कि ये जो जेल में बंद हैं या जेल से जो फरार हैं उन्हीं के द्वारा किया हुआ है कि धमकाएं और थोड़ा सा प्रेशर बनाएं जिससे कि ये गवाही पलट दें या बयान न दें। इसमें जो हमारी फरियादियाँ हैं, इनका स्कूल जाती हैं, तो स्कूल पे जा रही थी स्कूटी से। इनका बताना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे दो लोग थे जिन्होंने इनको रोका और कहा कि आप अपनी गवाही नहीं बदल रहे हो, नहीं तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उनको दबाव बनाया और नहीं तो फिर आपको भी जान से मार देंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और इनका कहना है कि उसने दो फायर भी किए हैं, तो हमने इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करें 307 का और इनकी तलाशी के लिए टीमें लगाई।